आज मैं मौजूद हूँ नवलगढ़ पुलिस थाने में और एक ऐसे जाबाज पुलिस ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है, अमर सिंह जी। इनके 2001 में एक गोली लगी थी सुपारी किलर को पकड़ते हुए। उन्होंने कुछ दिन रेस्ट किया, फिर वही वर्दी पहनी और वही सेवा शुरू की। जानते हैं हम अमर सिंह जी से कि क्या कहानी थी पूरी और कौन था वो सुपारी किलर। नमस्कार सर नमस्कार। जी। सर बताइए पूरी कहानी क्या थी वो। मैं चिकानी चेक पोस्ट अलवर जिले में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। उस समय मतलब कैथल के अंदर एक व्यक्ति का मर्डर करने के लिए सुपारी लेकर यूपी से बदमाश आए थे, जो पुलिस की नाकाबंदी तोड़ करके छिप गए थे। 25 जुलाई 2001 को सुबह पहाड़ों से उतर करके वो वापिस आए। जिनको सूचना मिलने पर हम पकड़ने गए तो एक बदमाश ने सामने से रिवॉल्वर तान दी। जी मैं उसको पकड़ने लगा तो उसने मेरे पर फायर कर दी, जी जिससे मेरे पेट में लगी और छोटा जी की साथ खराब हुई। सर, मैंने थोड़ी देर पहले स्थितियां देखी थी। आप रेस्ट कर गए, फिर वही देश की सेवा, अपने लोगों की सेवा और वर्दी को चुना आपने। कुछ लोग होते हैं जो थोड़ी सी कष्ट आने पर जगह छोड़ देते हैं, लेकिन आपको वो वर्दी का जुनून, वापस सेवा। सर उसके पीछे क्या? उसके पीछे एक तो अगर हम मायूस होकर के जिएंगे तो उसे फायदा भी क्या है। जितना दिल्ली जीव नौकरी का पार्ट है तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जी बदमाशों से गोली लग गई एक अलग विषय, बाकी नौकरी के प्रति मतलब सतर्कता है, जिम्मेदारी है। जी सर, आपको इसको लेकर कितनी बार सम्मान किया गया, क्योंकि आपने एक बहुत बहादुर कार्य किया था। मुझे फर्स्ट प्रथम बार कॉन्स्टेबल से हेडपोस्ट बना दिया गया था सर, पुलिस विभाग की तरफ से। और उसके बाद फिर मैं अपने रूटीन में प्रमोशन लेता रहा। 10 में ले लिया ASI का 2015 में सर्विस। जी सर, आज भी हम आपको देखते हैं, कोई भी गैर जुलिस, कोई भी कार्य हो, सबसे पहले हमें अमर सिंह जी दिखाई देते हैं सबसे आगे। और स्थिति हमने आपकी देखी है, पेट के इतने ऑपरेशन, इतने टांके हैं, तो सर कैसे संभव हो पाता है? ये मेरा आत्मविश्वास, मेरे शरीर को मेंटेन रखना और ड्यूटी के प्रति सतर्कता, ये मेरा खुद का कॉन्फिडेंस है। जैसे भी कोई घटना होती है, सबसे पहले पहुंचना, अपनी ड्यूटी के पीछे इतना तत्पर रहना। सर जैसे पेट की हालत देखिए, उस हिसाब से कुछ लोग तो देखते ही, हम देखे थे, हमने हम बैठ गए साइड में कि यार कैसे कर रहे होंगे। मेरा ड्यूटी का पार्ट है, ड्यूटी के प्रति समर्पित है, इसीलिए अधिकारियों को अच्छा लगता है और जनता को भी अच्छा लगता है। अगर हम समय पर पहुंचेंगे, समय पर किसी समस्या का समाधान करेंगे तो जनता को भी ठीक लगेगा, जनता को जनता भी नकार देगी। उसे क्या जी सर, नौकरी तो करनी है, घर पर किस किस को पता था जब आपको गोली लगी थी? सबको पता था, तो पता चल गया, सबको पता, यार दोस्तों से। तो सर आप आज के समय, कुछ युवा है छोटे, वो जैसे अपराध की दुनिया की, जैसे आजकल फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन पर अपराध के कुछ लोग हैं, वो चलते जा रहे हैं, उसको आइडल बना के वो लोग फॉलो कर रहे हैं, और उसके पीछे छोटे छोटे बच्चों के भी आप देखोगे गाने लगा रहे हैं। वैसे उनको क्या कहना चाहोगे? उनको यही कहना चाह रहा हूँ, इस संगति से बचें और अपना भविष्य संवारें, पढ़ें लिखें और एक अच्छे इंसान बनें, ताकि समाज में गंदगी न हो। जैसे छोटे छोटे बच्चे आज माता पिता उन पर ध्यान नहीं देते, वो आज उनको फॉलो कर रहे, तो उन माता पिता को क्या कहना चाहोगे मैं आप? माता पिताओं से यही निवेदन करना चाहूंगा कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखें और इस प्रकार से जो समाज की बुराइयां हैं उनको उनसे उनको अवगत कराएं कि इस तरफ आपको जाना नहीं। और मीडिया वगैरह भी, जो मोबाइल वगैरह है, आप पूरा उनको देख रहे किस प्रकार के वो देख रहे हैं, इस बात की निगरानी। सर आपका इतना बहादुर हौसला था, आपने वापस वर्दी को चुना, और फिर आज आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो थोड़े से नंबर कम होने पर कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, कुछ और कर जाते हैं? अगर आपकी तरह से अगर देखे तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। वो गलत है, जीने के तरीके बहुत हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि नौकरी लगे और नौकरी नहीं मिले तो सुसाइड कर ले, और रास्ते घड़े हैं जीने के। मेहनत करके अगर कोई तो किसी भी क्षेत्र में मेहनत करोगे तो सफलता जरूर है। तो ये उदाहरण है, अगर जो बच्चे जिनके नंबर कम आते हैं, पंखे से झूल जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, सबसे जिंदा उदाहरण है अमर सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि अमर सिंह जी ने वो लड़ाइयां लड़ी है, वो उस जगह से निकल कर आए हैं। अगर आप देखोगे ना तो भी दंग रह जाओगी। हमारे साथ मौजूद थे नवलगढ़ के आज मौजूद कार्यरत SI अमर सिंह जी। अमर सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ होंगे। हाँ जी।